भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के संयुक्त तत्वाधान में जिलाधिकारी मुख्यालय को घेरने का काम किया और गली गली शोर है राहुल गांधी चोर के नारों से कलेक्ट्रेट गूंजने लगा। राफेल खरीद फरोख्त पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आम जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए भाजपा आगरा इकाई ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर कांग्रेस पर करारा हमला किया। कांग्रेस के अध्यक्ष जिनको पप्पू कहते हैं, ऐसा लगता है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े हो गए, क्योंकि राफेल सौदे की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो डील करी है वो निष्पक्ष और पाक साफ बात। उसी दृष्टि से जो मांग कर रहे थे वो न्यायालय के निर्णय आया और देश के यशस्वी ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और देश की सरकार को न्यायालय ने कहा कि आपने जो सौदा करा है वो पाक साफ है और देश के हित में और राष्ट्र के हित में, सुरक्षा के हित में, सैनिकों के हित में। लेकिन दुर्भाग्य इस कांग्रेस शासन ने जहाँ 70 साल राज करा हो उनकी मानसिकता दर्शाती है कि देशद्रोही की दृष्टि से काम करते हैं। उन्होंने न्यायालय में प्रश्न लगा दिया, जब न्यायालय में प्रश्न लगा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय करा कि 17 तारीख को हर अपने जो शहर है देश के 70 शहरों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय नेताओं ने की और ऐसे ही आज 19 में देश में प्रत्येक जिला मुख्यालयों पे इस कांग्रेस को बेदखल इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू को लोक सेवा के युग से मुक्त किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मांग। भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा ही कांग्रेस के घोटालों को गिनाते हुए राहुल गांधी को चोर बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि झूठे तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनहित में नहीं है। भाजपा नेताओं को अभी आग का दरिया पार करना है। वहीं भाजपा ही राहुल गांधी को चोर साबित करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र पूरा देश जानता है कि कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति करती है। अभी राफेल वाला जो विषय चल रहा है उस विषय को लेकर पूरे देश के 70 शहरों में जो मीडिया केंद्र हैं उससे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अवगत कराया कि राफेल की डील किस प्रकार से हुई। दो देशों का समझौता आपस में होकर और वो डील हुई। उन्होंने जो क्वेश्चन मार्क लगाए तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एनओसी दी कि ये डील में कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, किसी प्रकार की इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जो कहीं राष्ट्रहित में नहीं है। मगर वो कांग्रेस बार बार ये बात कहती है कि इस डील में कोई घोटाला है। तो कांग्रेस से खुले मंच से हमारे देश के तो हमारे सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने कहा राज्यसभा में खुले बहस करिए और खुली बहस संसद में करने को तैयार है। उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है क्योंकि वो केवल 4.5 साल का जो जनादेश 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिला और एक भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगा तो कांग्रेस बौखला गई है कि जिस ईमानदारी के साथ ये नेतृत्व किया तो लग गया चंद्रगुप्त मौर्य का शासन याद आ गया लोगों को, तो वो किसी तरीके से कोई क्वेश्चन मार्क लगाना चाहती है। कोई है तो प्रमाण के साथ संसद में खड़े होकर कांग्रेस जवाब दे इस चीज का। देश के जनमानस को भटकाने का जो काम कर रही है उसके लिए आज हमने राष्ट्रपति जी के महामहिम के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से आगरा द्वारा जिला और महानगर के नेतृत्व में दिया गया है और जनमानस में भी ये राफेल वाला विषय पढ़े और कांग्रेस की जो कुत्सित मानसिकता है, जो घोटालों की सरकार रही है, चाहे कोल माइनिंग हो, चाहे यूरिया हो, चाहे जीप हो, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, लाइन लगी थी 4.5 साल में जनादेश का कोई अपमान नहीं हुआ, एक घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर नहीं लगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर राहुल गांधी को चोर बताते हुए कहा कि पीएम मोदी राफेल पर खुली बहस करने को तैयार है। पूरे देश में राहुल गांधी ने झूठ बोलने का काम किया और देश की जनता को भ्रमित करने का काम जो कर रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राफेल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि चोर खानदान से वो खुद हैं और चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं जिसने अपना सारा जीवन देश के विकास के लिए और देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी को पच नहीं रही है, ये तरह तरह के झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया राफेल के राफेल वाले मामले में जब बोलकर। जितने सारे आरोप कांग्रेस की सरकार में लगे आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि राहुल गांधी खानदानी चोर है।
अब यह तो समय ही तय करेगा कि राहुल और पीएम मोदी की खुली बहस का लड़ाकूरा खेल किसे जिताता है। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।